तो ये सारे का सारा इस निहारी की वजह से है जो सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। पिंडी की वाहिद निहारी है, सुबह 4 बजे खुलती है और 6 बजे ख़त्म। अगर आप पिंडी आते हैं ना और आप ये खीर लाजमी ट्राई करें भाई। अच्छा जी, अभी आप जो है ना जा रहे हैं खाना खाने दोपहर का कश्मीरी खाने। मैं पूरे पाकिस्तान में ढूंढ रहा था कहाँ से ऑथेंटिक कश्मीरी हमें पकवान मिल सके, तो मुझे ये सुनने में आया है उमर भाई के रिकमेंडेशन के मुताबिक कि वहाँ पे उनके पास ऑथेंटिक कश्मीरी खाने मिलते हैं। हाँ से यार ये देखो ऐसे लग रहा था कच्चा मीट है, कलर कैसा लग रहा है। ये मटन दूध में बनता है, ये दही में भी बनता है। अच्छा, तो दही में बनता है मटन, उसको यखनी कहते हैं। सही है, मीठा बहुत तेज है। ये नहीं बताना था, ये मैंने नहीं बताया, लेकिन बात सच कर रहे हैं। क्या क्या वो कौन से चैनल को सब्सक्राइब करें? मेरी बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें वरना मैं आपके घर आ जाऊंगा। वो करना पड़ेगा। आप जाओगे इनके घर? हाँ। किस किसके घर जाओगे? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। इस वक्त हम मौजूद है पिंडी के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद का फूड कवर करने आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे हिडन जेम्स हैं, हिडन जेम्स के अलावा कुछ यहाँ पे पॉपुलर फूड है, कुछ यहाँ पे फेमस फूड है, उसके अलावा कुछ ऐसा है जो कि आपने शायद कभी नहीं देखा, उसको मैं एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, उसको एक्सप्लोर करके आपको दिखा सकूँ। और अभी जो है इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करें, हम मजीद निहारी पे जाएंगे अभी और यहाँ से हम नाश्ता करेंगे, उसको हम जाएंगे लस्सी जी पे, वहाँ से लस्सी पियेंगे जो पिंडी की फेमस लस्सी है। मेरे साथ हैं उस्मान भाई, उस्मान भाई इस टाइम मुझे पिंडी में गाइड कर रहे हैं, मुझे होस्ट कर रहे हैं, और साथ में जो है ये पता नहीं किसी खाला का लड़का है यासीन। और अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं मजीद निहारी पर, मेरी बैक पे आपको नज़र आ रही है मजीद निहारी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। ये है जी लाल हवेली, ठीक है, ये साइड जा रही है उर्दू बाज़ार की तरफ, और ये जो है सब्ज़ी मंडी की तरफ जा रही है। जो आप लाल हवेली से आगे चौक से लेफ्ट होंगे सब्ज़ी मंडी की तरफ जाने के लिए, तो आपके ये लेफ्ट पर ये है जी मजीद निहारी, अभी इनके पास चलते हैं। ये इनका सेटअप है सारा, ये चल रहा है बस। यार इस टाइम जो है ना इतना यहाँ पर रश है, रश के अलावा यहाँ पर मतलब बैठने का सिस्टम ही कोई नहीं है, और जो सीटिंग है थोड़ी बहुत बस अंदर सीटिंग है। नली नहरी कितने की है? 350 हमारा ऑर्डर हो गया भाई, एक नली निहारी और एक मगज सादा। ये हमारा लास्ट है, नली जो है ना सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। अभी तकरीबन इस टाइम जो है 4:30 हो रहे हैं और नली ख़त्म हो चुकी है, और रश इतना ये बात भी नहीं कर सकते प्रॉपर इनसे जो है ना, वो गपशप भी नहीं कर सकते। 12वीं में था तब से यहाँ आ रहा हूँ। माशाल्लाह मजीद भाई की निहारी आप एक दफ़ा खाएंगे और आप जो है ना जब तक आपके कलमा शहादत नहीं होगा ना आपके लिए, उस दिन तक आप मजीद निहारी खाएंगे। जितना रश यहाँ पे लगा हुआ है आपके कहने के बाद मजीद लग जाएगा, तो जिनको बारी आ रही है इनकी उनकी भी नहीं आई बारी। अभी जो है ना इतने अरसे से कर रहे हैं, 2 घंटे भी नहीं बैठते हैं आप, बस जितना मर्जी लगे खिलाना तो अल्लाह ने। तो ये जो है सिर्फ मगज है और ये जो है ये इनकी नली निहारी है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे लीमू का बड़ा सीन है यार, यहाँ पे लीमू ऐसे नहीं डालना, यहाँ पे लीमू ये लीमू है इसको डाल। होटल का हाल जो है ना ये दबा दबा के हुआ है ये। डालें नहीं ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे थोड़ा सा लूज करके, इसको हल्का सा लूज करके फिर दबा दबा के इसको डालें। ज़्यादा डाल दिया आपने। ये यार नली, ये देखो सिंपल नली की निहारी, नली निहारी, नो बोटी नो नथिंग। ये बिस्मिल्लाह। इस निहारी के अंदर एरोमा ज़्यादा है गोश्त का, और फ्लेवर जो है मतलब वो बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर है इसका, माइल्ड फ्लेवर वाली निहारी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आटा इन्होंने इसके अंदर नहीं डाला हुआ। ये देखो ये टोटल इसकी कंसिस्टेंसी है, ये देखो इसकी। अब इसकी बोटी ट्राई कर लेते हैं। साकिब भाई हमें भी खाने दो, कब से खा रहे हो, कभी बोटी ट्राई कर रहे हो कभी नली ट्राई कर रहे हो, ठीक है मजीद निहारी है माशाल्लाह बहुत मज़े की है। ये देखें छोटा सा बाइट लें आप मज़े का, अगर आपने ज़्यादा देर खानी है नेक्स्ट लेवल है माशाल्लाह यार, क्या बात है, चले खाएं खाएं आप भी यार। बस ये आखिरी मेहमान वाला मगर नहीं ट्राई किया था मैंने, वो ट्राई कर लो। तो नाज़रीन अब मैं मग ट्राई करने लगा, उन्होंने पहले वो वाली के बारे में ब्रीफिंग दिया आपको, ये देखें पूरा का पूरा मगज, ये आपको नजर आ रहा है उनको नजर नहीं आ रहा, उनको भी तो खाए ना। ये देखें
पूरा पूरा मगज और ये ओए होए मतलब ये मगज खाने के बाद आप किसी इम्तिहान में फेल नहीं हो सकते। ये बकरे का मगज है, आइंस्टाइन का तो नहीं है। क्या हो गया आपको, क्या बात कर रहे हैं। ये हमारे दोस्त हैं, हमें यहाँ पे मिले हैं मजीद निहारी पे। और ये भाई एक होता है फनकार, ठीक है, एक होता है फनकार, एक होता है डेढ़ फनकार, डेढ़ फनकार। एनीवे अभी हम जो है आपको बोटी का बता रहे हैं कि बोटी का जो टेस्ट है ना, बोटी मतलब बहुत ज़्यादा माइल्ड ही। यार मैं भूल गया बोटी का टेस्ट, दोबारा पाइल लेता हूँ। साकिब आप कंटिन्यू करें यार, पानी अपना साथ लाइएगा। हाँ हमारा पानी क्यों साथ लगेगा। ग्रीन स्पॉन्सर किया हमें इस वीडियो ने, ठीक है। पानी इतना मजे का, ये देखें इतना साफ पानी किसी चश्मे का भी नहीं हो सकता यार। चले ठीक है। ओ भाई आप तो गले मिलो मुझे यार, बाबा यार बहुत फुलकार आदमी है यार। लो जी ये गोश्त है, ये बोटी है इनकी, बोटी ट्राई कर लेते हैं। बोटी निहारी के साथ ओ चली चली गई जी। ये इतनी नरम है, मुंह में जाके ना हल्का सा फ्लेवर आता है इसका, उसके बाद ये गायब हो जाती है। बहुत ज़्यादा चबाने का टाइम आपको नहीं मिलता, मुझे ये लग रहा है शायद इसको प्रेशर लगा के गलाया गया। ये दिस इज ये मगज, यार क्या कमाल मगज है यार, वो यार मगज बहुत कमाल है। अरे क्या कह रहे हो, मेरा अकाउंट है AMHB1234। आप क्या टिकटॉक पे करते हैं क्या? मैं वीडियोस बनाता हूं। कैसी वीडियोस बनाते हो? अच्छी फनी वगैरह। डांस तो नहीं करते? नहीं, कोई गंदा काम तो नहीं करते? नहीं। बस फिर इनको जाकर फॉलो कर लो। ये जो सारी गाड़ियाँ आपको नजर आ रही हैं, सारी गाड़ियाँ ये जितने भी रश हमें नजर आ रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया। जब हम आए थे शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट में बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे, तो ये सारे का सारा इस निहारी की वजह से है जो सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। पिंडी की वाहिद निहारी है, सुबह 4 बजे खुलती है और 6 बजे ख़त्म। ओके जी, लस्सी हम पीने जा रहे हैं। निहारी हमने इनसे ट्राई कर ली है, निहारी इनकी जो है ना बहुत कमाल की निहारी है। सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि माइल्ड फ्लेवर वाली निहारी है। अभी जो है ना हम जा रहे हैं लस्सी जी, यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस लस्सी है, उस पर लस्सी ट्राई करने जा रहे हैं, तो अभी वहाँ चलते हैं। अच्छा, इस जगह को क्या कहते हैं, पुराना किला? पुराना किला वो सामने वो साइड पुराना किला है, ये उर्दू बाजार है। अच्छा, मतलब इससे यार अंदरून की वाइब्स आ रही हैं, काफ़ी पुराना एरिया है ये पिंडी का, पहले पाकिस्तान बनने से पहले। ओके लो जी, ये सामने जो है ना ये लस्सी की दुकान है, यहाँ पे भी जा रहे हैं। लो जी ये हम आ गए हैं जी लस्सी जी, अल्लाह बदामा वाला शरबत, इनके पास चलते हैं, लस्सी ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है जी। ये ताज़ी लस्सी इधर बन रही है, ये भाई मलाई निकाल के रख रहा है। ये कितने का ग्लास है? 120 का। कार में कितना पुराना सेटअप चल रहा है आपका, ये दुकान कितनी पुरानी है? 35 साल पुराने। क्या फेमस आपकी सिर्फ लस्सी है? लस्सी और वो शरबत जो है बादामों वाला। अच्छा अच्छा, वो किससे मिलता है? यार ये बड़े तरीके से लस्सी बना रहे हैं, पूरा एक बंदा जो बैठा है वो चम्मच से ना मलाई निकालने का साइड पे कर जा रहा है, जब वो मलाई निकल जाती है उसके बाद वो चम्मच से ना उसको लाइनें मार देते दही के ऊपर, पता नहीं दही को नरम करने के लिए करते हैं क्या करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। बिस्मिल्लाह, ओए होए यार अच्छी लस्सी है, लेकिन इसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अच्छी है। दही थोड़ा सा खट्टा वाला, दही अगर थोड़ा सा मीठा होता ना बहुत ज़्यादा कमाल की, तो दही में हल्की हल्की खटास है जो कि थोड़ी बहुत मज़े की भी लग रही है, और साथ में चीनी इन्होंने माशाल्लाह अच्छी मकदार में डाली है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वरना मैंने घर आके आपके मोबाइल से पकड़ के अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना, खुद ही कर लें आप। अच्छा जी, अभी हम जो है ना जा रहे हैं खाना खाने दोपहर का, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था, नाश्ता जो है ना हमारा लस्सी पी थी, उसके बाद हमें कोई नाश्ते नहीं मिले नहीं थे, हमने कहा था आराम कर लेते हैं, आराम करने फिर हम वापस आ गए। अब हम दोपहर का खाना खाने के लिए जा रहे हैं दिलबर होटल में, पता नहीं आपको आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही, हम रिक्शे में बैठे हैं। ये देखो अभी हम जा रहे हैं दिलबर होटल की तरफ। दिलबर होटल जो है ना वो एग्जैक्टली कहाँ पे करके है उस्मान भाई? वो आपका उर्दू बाज़ार के पास। उर्दू बाज़ार के पास अभी हम यहाँ से ना बाड़ा मार्केट से गुजर रहे हैं, और ये पूरा मेरे पीछे आपको बाज़ार नज़र आ रहा है, और साथ हमने एक बच्चा उठाया ये तो अभी हम जा रहे हैं दिलबर होटल पर। वहाँ पर उनके बारे में मैंने सुना ये है कि वहाँ पर उनके पास कश्मीरी खाने मिलते हैं। कश्मीरी खाने मैं पूरे पाकिस्तान में ढूंढ रहा था,
कहाँ से ऑथेंटिक कश्मीरी हमें पकवान मिल सके, तो मुझे ये सुनने में आया है उमर भाई के रिकमेंडेशन के मुताबिक कि वहाँ पे उनके पास ऑथेंटिक कश्मीरी खाने मिलते हैं, तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं, उनसे जाके कश्मीरी खाने इंशाल्लाह ट्राई करते हैं। टाइम है इसमें सारा जैम पैक्ड, जैम पैक्ड, जितने निकल ना पाए। बहुत अच्छा भाई, इस वहाँ भी सेम प्लेस, सेम जगह, सेम रोड पर हम चल रहे हैं, लेकिन नज़ारा इस वक्त डिफरेंट है क्योंकि हाँ सुबह हम यहाँ पे एग्जैक्ट इसी जगह पे चल रहे थे, वो सामने रस्सी वाली दुकान है, लेकिन अब इस टाइम जो है नज़ारा थोड़ा मुख्तलिफ है। हाँ अब करो रॉकेट रॉकेट। ये सबसे मजे की चीज़ है यार। अच्छा यार ये वही जगह है जहाँ से हमने सुबह जो थी ना लस्सी पी थी, ये सामने ये चौक बना रहा है, इस साइड पर लस्सी वाला है। थोड़ा इधर आएंगे, दिन का टाइम है इसमें थोड़ा माहौल चेंज हो चुका है, यहाँ पर सारी ये शॉप्स खुल गई हैं और मार्केट खुल गई है। और ये प्लाजा है अमाद बट प्लाजा, इसके अंदर रास्ता जाता है इधर से, यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं उसके पास दिलबर होटल के लिए। इस प्लाजे की बैक साइड पर हम आए हैं, यहाँ पर जो है ना ये गली अंदर जा रही है, ये ऊपर लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर दिलबर होटल, ये जी रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ। ये ओ हम आ गए, वेलकम था हमने, दिस इज़ द दिलबर होटल। वाह यार चलते हैं इनके पास अभी अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी, ठीक है? नाम आपका जी? असलम परवेज। परवेज साहब आप उनसे कश्मीरी खाने, मैंने सुना है यहाँ पे कश्मीरी खाने मिलते हैं। कश्मीरी कश्मीरी मैं वही, हाँ ये पता है क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे ना काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इंडिया के कश्मीर में आए और यहाँ के जो कुजीन है ना, इसमें गुशताबा हो गया या वाजवान हो गया, ये चीज़ें ट्राई करें। वाजवान को कहते हैं दस्तर खवान। अच्छा वादा जो होता है वो हमारा शेफ होता है। अच्छा वादा कहते हैं। अच्छा तो जो करता है उसे वादा कहते हैं, जो दस्तर खान लगता है उसको वाजवान कहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ये जान के मैं खुश हो गया था कि कश्मीरी खाने मिलते हैं, तो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। हम बूढ़े हो गए खाना, लोगों को लाग लागे हमारे वाले 70-75 साल तो हो गए इस रेस्टोरेंट में। माशाल्लाह अल्लाह आप बरकत दे मजीद दें आपकी आपकी नस्लों में काम चलाएगी, क्योंकि ये खाने का टेस्ट ऐसा है कि ये मतलब इसको खाने से ताल्लुक़ रखता है ये। अच्छा जी ये गुशताबा है, ये इसमें ये अच्छा दही में बनता है, ये दही में बनता है। ये क्या चीज़ है? ये मटन गुशताबा। ये जो ये कोफ्ता है, ये कोफ्ता नहीं होता है। अच्छा ये कोफ्ता भी बताते हैं आपको, ये गोश्त को कूटते हैं पत्थर की सिलों पे, गोश्त को पत्थर की सिलों में कूटते हैं। अच्छा ताज़ा गोश्त जो है ना जी गरम गरम गोश्त लेके ना उसे कूटते हैं। अच्छा फिर ऐसे आटे की तरह कर देते हैं, बिल्कुल बारीक हो जाता है जी, बिल्कुल आटे की तरह। फिर ये बनता है उसमें दही में, दही में बना। अच्छा दही मतलब बड़ा देखने में मज़ेदार चीज़ लग रही है। रिश्ते ये आप कोफ्ते कहेंगे या कि रिश्ते हैं? रिश्ते भी कहते हैं, रोगन जोश भी कहते हैं। अच्छा रोगन सेम वही गोश्त है, इसे भी पत्थर की शेप पे कूटा जाता है। फर्क क्या दही में नहीं है, वो दही में। हाँ सही हो गया, तो ये कोफ्ते ये कीमा होता है, सही है यहाँ मटन है सर। माशाल्लाह सही हो गया। ये हरीसा जी, ये माशाल्लाह आप गोश्त दूध में बना हुआ मतलब आप गोश्त या दूध मांस कश्मीरी आप गोश्त या दूध मांस कश्मीरी जबान में कहते हैं। अच्छा दूध मांस ये मटन दूध में बनता है, ये दही में भी बनता है। अच्छा तो दही में बनता है मटन, उसको यखनी कहते हैं। सही है, और जिसमें गुश्तावे की है जी जी, तो दूध में जो बनता है उसे आप। और ये सिर्फ चांपे हैं? नहीं सारा गोश्त होता है, पूरा गोश्त है, पुट होती है। अच्छा ठीक है, कोरमा मटन कश्मीरी कोरमा। वाह माशाल्लाह मटन है, ये भी कश्मीरी स्टाइल है फुल। अच्छा कश्मीरी स्टाइल में और आम स्टाइल में क्या डिफरेंस है इसमें? हमारी रेसिपी हमारे तरीके हमारे खाने का टेस्ट ही अलग है। सही है माशाल्लाह ठीक हो गया, ठीक हो गया। यूज़ हम मटन ही करते हैं, सारा खाना मटन में होता है। चिकन या मटन बस, ये क्या चीज़ है? ये सादा मटन है, सादा ये यानी गोश्त पर गोश्त पका हुआ है, गोश्त या मटन का सादा प्लेन गोश्त। ये कश्मीरी चावल से बोलते हैं? ये कश्मीरी चावल की दाल है, ये बिल्कुल पानी में बनी है, बस पानी में बनी है। पानी, पानी। मतलब ऑयल नहीं डालता इसमें? पानी में बनी है बस। क्या बात है, वो खास बात है। ओए होए 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 क्या बात है माशाल्लाह। ये है जी रिब्स, रिब्स हैं ये, रिब्स हैं बकरे के, तबक मास, तबक मास बोलते हैं, तबक मास भी कहते हैं कश्मीरी, तबक नाट भी कहते हैं। ये सीना होता है बकरे का, रिब्स वगैरह, इसकी हड्डियाँ भी गली होती हैं। अच्छा ये कोई तंदूर में बनाते हैं या कैसे बनाते हैं इसको? पहले
मसालों में बनता है ये। अच्छा, अपना यखनी इसकी बनती है। सही, रोस्ट होता है, ठीक है माशाल्लाह। यानी आपकी सब्जियों का जायका भी डिफरेंट ही होगा। हाँ, दिलबर होटल पर दिलबर होटल है जी, दिलबर सबका दिलबर लग रहा है मुझे तो। कमाल माशाल्लाह। गली में इतने बड़े लोग, भट्टो साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, शाहान उपाध्याय, शेख शीर साहब, आजाद कश्मीर के तमाम वजीर आलम, हमारे आर्मी के जनरल ऑफिसर यहाँ पे खाना खाते हैं, रिकमेंड करते हैं दिलबर होटल। हम भी आ गए, ठीक हो गया। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि दो से तीन चीज़ ऐसी हो जाए जो पूरी रिप्रेजेंट कर दे कश्मीरी खानों को? एक हरीसा भी है, ठीक हो गया। गुश्ताबा तो है, वो आप गोश्त है, आप जी से पालक गोश्त भी अपना डिफरेंट है, पालक गोश्त भी डिफरेंट, पालक कोफ्ते भी हैं मटन के। अच्छा, ऐसा हम करते हैं पालक गोश्त कर लेते हैं और वो आप गोश्त जो आपने बताया जो दूध में बना हुआ है, हरीसा भी है, थोड़ा सा हरीसा भी डाल दें, चार कर लेते हैं फिर, ऐसे कर लेते हैं हरीसा कर ले थोड़ा सा आप गोश्त में, तो एक एक प्लेट ही बनेगी ना। अच्छा जी, ये है जी गुश्ताबा, वो हो गया। सही सही, कमाल। यानी हमारे सामने जो है सारी चीज़ें आ गई, ये गुश्ताबा है और ये जो है ये आप गोश्त है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये दाल है इनकी चने की, ये पानी में पकी हुई है, इसके ऊपर उन्होंने तरी ऊपर से डाली है। और ये जो है पालक गोश्त है, इसमें सिर्फ जो है पालक हमने ट्राई की है, जो पालक का टेस्ट चेक करना चाह रहे हैं सिर्फ। और हरीसा जो है, हरीसा भी मंगाया, वो भी आ रहा है। जो हरीसा मैंने सुना है कि इनका हरीसा काफ़ी डिफरेंट होता है, कश्मीरी हरीसा डिफरेंट फ्रॉम अमृतसरी हरीसा। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं पहले, यहाँ से जो है रोटी लेते हैं थोड़ी सी। और ये जो है, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये गुश्ताबा, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन जो है, मतलब इसको रान का गोश्त होता है, उसको लेके कूटते हैं, हड्डी लकड़ी से कूटते हैं, दो घंटे डेढ़ घंटे कूटते रहते हैं, कूटने के बाद उसमें से शरियाने जो हैं, जो रगे हैं वो निकाल लेते हैं, उसके बाद जो पाउडर बचता है उसके कोफ्ते टाइप बना लेते हैं, बॉल मीट बॉल बना लेते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतुल्लाह, दही की वजह से हल्की सी खटास है। जो मीट बॉल बना हुआ है उसके अंदर गोश्त का अपना फ्लेवर, जो मटन का अपना एरोमेटिक फ्लेवर होता है वो इसके अंदर आ रहा है, उमामी फ्लेवर जिसे बोलते हैं। साथ में बिल्कुल लाइट से मसाले हैं और दही की वजह से खटास है इसके अंदर। इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वाइट कोरमा टाइप बनता है, उसमें हल्की सी खटास होती है, लेकिन चूँकि कश्मीरी खाना है उस टोटली डिफरेंट है, बहुत लाइट, मतलब लाइट खाना है यार, बहुत कमाल है। दूसरी चीज़ जो है ना, ये आग गोश्त है, ये दूध में पका हुआ है, ये सारा दूध है। तो यहाँ से यार ये देखो, ऐसे लग रहा है कच्चा मीट है, कलर्स कैसे लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं। ओए होए, एक मिनट, ये देखो यार, कमाल जी। ये दूध है, सारा दूध में पका हुआ सारा, बिस्मिल्लाह। यार बहुत कमाल है, मतलब दूध में एक सालन बना हुआ, दूध में यखनी बनी हुई, दूध की यखनी है ये, तो आप इसको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह का टेस्ट होगा लाइट मसालों के साथ, दूध की यखनी में बना हुआ गोश्त में आपको दिखाता हूँ गोश्त कितना टेंडर है। ये देखो ये इतना टेंडर गोश्त है यार, ये बहुत वाला है। तो जी ये है चने की दाल जो सिर्फ पानी में बनी हुई है, मैं इसमें घी नहीं लेना चाह रहा, खाली पानी के साथ जो इसका एक्चुअल फ्लेवर है वही ट्राई करना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्लेवर जो है ना चने की दाल का अपना है, मेरा ख्याल इन्होंने दाल का जो पानी होता है ना ऊपर से फेंका नहीं है, दाल को उबाल के उसको पकाया, दाल को उबाल के उसी के अंदर सारा मसाला डाले मैंने। मटन मैंने नहीं मंगवाया क्योंकि मटन तो क्वालिटी वही होगी, सिर्फ पालक का टेस्ट चेक करने के लिए, मटन पालक का टेस्ट, दिस इज मटन पालक। बहुत ज़्यादा ये हरीसा है, ये देखो इसमें ना वाजे नज़र आ रहा है कि दलिया और एक गंदम डाली है इन्होंने इसके अंदर। ये यार ये जो चीज़ है ना, ये देखो कमाल, बिस्मिल्लाह, बहुत ज़्यादा यार। इसमें जो है ना गंदम का जो दलिया होता है उसका फ्लेवर ज़्यादा है यार, उफ़।
उफ हो गया, उफ अल्टीमेट एक्सपीरियंस हो गया भाई यहाँ पे, कमाल उफ के भाई क्या कश्मीरी खाने होते हैं, क्या कमाल खाने थे यार, क्या इनका अखलाक था और क्या कमाल लोग थे ये। कैसा लगा उस्मान भाई? बहुत अच्छा है अखलाक वहाँ, ये नो डाउट कि अखलाक इनका बहुत अच्छा है। और मैंने हाँ खुद मज़े की बात ये कि अपनी निगरानी में सारा काम करवाते हैं, ऑनर जो है वो यहाँ पे खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में सारा काम करवाते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए खुद आ जाते हैं। अभी वो कबाब इनका कच्चा रह गया था तो वो खुद आगे चेक कर रहे थे कि कबाब कच्चा क्यों रह गया। कैसा लगा खाना? मज़ेदार, बस मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। अभी हम जो है ना लस्सी जी, जहाँ से हमने सुबह नाश्ता किया था, लस्सी पी थी, उन्हीं का शरबत होता है बादामों वाला, कुछ शरबत अल्लाह शरबत उसे बोलते हैं, सुबह वो बता रहे थे कि वो भी बहुत फेमस है, तो अभी उनसे वो शरबत ट्राई करते हैं। उस वक्त जहाँ से हम जाएंगे पहलवान जी की खीर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़े की होती है, उस्मान भी बता रहे हैं ऐसे ही है, है। मज़े की ना होना तो फिर मैं तुम्हें फाड़ लेना। ओके जी शरबत ट्राई करते हैं। क्या करें भाई, मजदूरी करने जाओ और क्या करूँ मैं, लड़ क्यों रहे हैं यार शरबत। आ जाए आ जाए, इतनी गर्मी भी तो हो रही है ना, गर्मी की वजह से बड़ा। आ जाए हम दर्दी बड़ी चीज है, ओ छोड़ दुनिया में मदर्दी बड़ी चीज है, जो मदर्द करेगा वो इंसान है, जो मदर्द नहीं करेगा वो इंसान नहीं है। सही सही बात, सही बंदा कुछ है, वो बेईमान हो ना जो वो लूला है साला। इन्होंने सुना मैं कहता था इनका शरबत बहुत मशहूर है, मैं शरबत पीने भी आ गया उनसे। अच्छा ये क्या संदल का शरबत है, किस चीज़ का है? संदल का बादामों वाला, बादाम और संदल मिक्स है, गोंद कतीरा। वाह कितने ग्लास है ये? 70 रुपए का। अच्छा जी बादाम ऊपर से भी आते हैं, वाह बादाम वाला शरबत। ओए आपने पहले पिया? पी लें बहुत आला। इसके अंदर ना संदल भी मिक्स है और बादाम का शरबत भी है। और मज़े की बात ये कि देखो ये तो बादाम है ना ऊपर, ये बादाम का शरबत जब आता है ना तो उसमें सिर्फ बादाम का फ्लेवर आता था, साथ इसमें बादाम के फ्लेवर के साथ ऊपर बादाम खुद भी आया था, बादाम आके अपनी हाजिरी लगवाया था कि भाई मैं खुद भी मौजूद हूँ ज़ाती तौर पर यहाँ पर, आप मेरा फ्लेवर भी ले लो मुझे भी खाएँ। बहुत ज़्यादा यार, तो बादाम साथ साथ खाए जा रहे होते हैं, चबाए जा रहे होते हैं, तो वो ना एक प्रॉपर मील की तरह का फील, एक स्नैक की तरह का फील हो रहा था। तो ये शरबत कम है और एक स्नैक ज़्यादा है, लेकिन चूंकि गर्मी है और इसको गर्मी को प्यास को कम करने के लिए कौन कतीरा और ये जो होता है तुख मलंगा ये ज़रूरी होता है, तो इस लिहाज से इट्स अ गुड गुड शरबत, गुड डिज़र्ट। लड़के मज़ा आ रहा है? मीठा बहुत तेज है। ये नहीं बताना था मैंने, ये मैंने नहीं बताया लेकिन बात सच कर रही है। लबे शीरीं सा लग रहा है, लबे शीरीं सा लग रहा है। अभी हम जा रहे जी पहलवान की खीर खाने के लिए। सारा सराफा बता रहा है और ये कौन सी जगह जा रही यार, ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे देखो। चलो जी ये हम आ गए हैं पहलवान जी खीर हाउस पे, सामने सीधा निकलता है मरी रोड पे, मरी रोड से जब आप भाबड़ा बाजार की तरफ अंदर आएंगे तो आगे आपके सराफा बाजार की तरफ जाएंगे तो आगे आपके लेफ्ट पे आएगा पहलवान जी खीर हाउस, ये इनके पास चलते हैं। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। आपकी खीर का मैंने बड़ी दूर से सुना है और मैं पैदल चल के आ रहा हूँ खाने के लिए। अच्छा ये किलो के पैकेट बना के रखे हुए, ये कितने की किलो है? 300 है। ये एक किलो 380 है, ठीक हो गया। चांदी का वर्क भी लगा। आपका नाम क्या जी? मोहम्मद इजाज़। इजाज़ साहब कितना पुराना सेटअप चल रहा है आपका? 73 तकरीबन 50 साल होने वाले हैं। वाले साहब उसके बाद फिर दो भाई हैं, हम चला रहे हैं ये काम। अच्छा तो एक ही ब्रांच है आपकी? ये कमर्शियल मार्केट में है। अच्छा सही है, तो आप घी देसी घी में बनाते हैं आप? सही माशाल्लाह। तो प्लेट कितने की होती है? 90 रुपए की प्लेट है। आप एक प्लेट देते हैं हमें? ये 90 रुपए की प्लेट है, मेरा ख्याल है वही है 90 रुपए की प्लेट। ऊपर इन्होंने पिस्ता शिस्ता डाल दिया इसके ऊपर हमें, ये पिस्ता पिस्ता इन्होंने सुबह में डाल दिया हुआ है और ये दिखने में बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। देसी घी में इन्होंने खीर बनाई हुई है, चावल के आटे की फिरनी टाइप चीज़ है ये, अल्टीमेट बिस्मिल्लाह। बहुत कमाल यार, चावल के दाने खड़े हैं इसके अंदर, ये देखो, ये देखो चावल के दाने ना, खड़े खड़े दाने, चावल के आटे का, चावल के आटे की खीर नहीं है, चावल के दानों की इन्होंने खीर बनाई है, उसको चावल के दानों को पका पका के जो प्रॉपर दाने मौजूद हैं इसके अंदर, टेक्सचर चावल के दानों का टेक्सचर इसके अंदर मौजूद है, उस लिहाज से बहुत मज़ा खीर है यार, बहुत आला। आई लव दिस खीर।
यार हमने इकट्ठे खानी थी, आपने अलग खा ली। सर मैं दोबारा उसमें आ जाता। आप पिस्ते नहीं खाते? ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हमारे। आप ये वाले ब्रेड नहीं, नहीं 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 बस ठीक है, मैं पिस्ते खाता हूँ। यासीन हाँ हाँ चम्मच भी खा जा यार। अगर आप पिंडी आते हैं ना और आप ये खीर लाजमी ट्राई करें भाई, ये ऐसी खीर है मतलब इसके लिए अगर आप पिंडी आए हुए हैं और आप कभी यहाँ से अंदरून से गुजर रहे हैं, सराफा बाज़ार, भाभड़ा बाज़ार और बाड़ा मार्केट कहीं पर भी जो एरिया ये, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं गुजरते हैं यहाँ से खीर आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अलग है। पिंडी के व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, पहले आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो इस बच्चे की बात मान लो। क्या क्या वो कौन से चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बात नहीं मान लो, चैनल को सब्सक्राइब करें वरना मैं आपके घर आ जाऊं। वो तो करना पड़ेगा। आप जाओगे इनके घर? हाँ। किस किस के घर जाओगे? सबके घर चले जाएंगे। चलो ठीक है, वही कर लो सब्सक्राइब। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर। दिस इज माय इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। आपसे बातचीत होती है, गपशप होती है, स्टोरीज लगती हैं, जिस सिटी में मैंने आना होता है वहाँ की अनाउंसमेंट जो है वो इंस्टाग्राम पे होती है। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करें अगली वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी चलें, चलो जी रिक्शा हो गया।